अस्सलाम वालेकुम क्लास टू। क्लास टू हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और हमने देख लिया था कि हाफ क्या होता है। अच्छा अब देखिए, ये वन था पूरा, है ना, कोई भी चीज थी, ये पूरी एक चीज थी, ठीक है, सही है। अब इसके हमने टू पार्ट्स कर लिए थे, इक्वल पार्ट्स, है ना, ये देखिए टू इक्वल पार्ट्स कर लिए थे हमने। तो हमने इस पार्ट को क्या कहा कि ये हो गया हाफ, है ना, इस पार्ट को हमने कहा ये हाफ है और इस पार्ट को भी हमने हाफ कहा। तो हाफ को लिखा कैसे, हमने कैसे लिखा कि ये वन पार्ट था, इसके टू पार्ट किए, टू में से वन पार्ट ये वाला है, टू में से वन पार्ट ये वाला है। यानी अगर इन दोनों को वापस हाफ हाफ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दोबारा वन पार्ट बन जाएगा, है ना। यानी इन दोनों को जब मिलाएंगे तो वापस वन बन जाएगा, सही है। अच्छा अब एक और चीज, अगर हम इस हाफ में से भी मजीद इसके टू हाफ कर दें, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक हाफ पीस था ना, इसके हमने मजीद हाफ कर दिए, ये हाफ क्या कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। इंग्लिश में इसे कहते हैं, इसे तो इंग्लिश में हाफ कहते हैं, जैसे आपने कहा था एच ए एल एफ हाफ, है ना, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्वार्टर, क्वार्टर, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्वार्टर, Q-U-A-R-T-E-R, quarter, ये तो इंग्लिश में कहा। अब मैथ में बताइए कैसे लिखेंगे। देखिए ये पूरा एक चीज थी कोई भी, है ना, उसके आपने टू इक्वल पार्ट्स कर दिए, है ना, उसको आपने इस तरह लिखा, टू इक्वल पार्ट्स किए, उसमें से वन पार्ट। अब ये एक चीज के जो आपने हाफ किया था उसका भी ये हाफ है, और चलिए हम इसके दूसरे पार्ट के भी हाफ कर देते हैं, ये लीजिए, सही। यानी इसका मतलब हुआ, ये देखिए ये एक पूरा था, इसके कितने पार्ट्स हो गए, वन टू थ्री फोर, कितने पार्ट्स हो गए, इस एक चीज के फोर पार्ट्स हो गए, कितने पार्ट्स हो गए, फोर पार्ट्स हो गए। तो अब इस वन पार्ट को क्या कहेंगे, जैसे टू पार्ट हो गए थे तो इस पार्ट को आपने हाफ कहा, इसको भी हाफ कहा। अब इस वन पार्ट को सपोज सपोज कोई फोर स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स हैं, फोर स्टूडेंट हैं। अब मैं स्टूडेंट पिक्चर नहीं बना रही, मैं उनके नाम लिख रही हूँ। सपोज एक स्टूडेंट है अस्मा, एक स्टूडेंट है राबिया, एक स्टूडेंट है नेहा, एक स्टूडेंट है शहला, सही है। अब इन चारों को मैंने क्या किया, ये एक पिज्जा था ना, ये एक पिज्जा था, तो मैंने क्या किया, अब मेरे पास थे फोर स्टूडेंट्स, ये एक पीस इस बच्ची को दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। अब तो ये लड़ेंगी नहीं, है ना, और मुझसे कोई कंप्लेन भी नहीं होगी इनको, ये नहीं कहेंगे मिस आपने उनको ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। क्या किया मैंने, उस एक के फोर इक्वल पार्ट्स किए, पहले उसके टू हाफ किए, फिर मजीद उसके हाफ यानी फोर इक्वल पार्ट्स कर लिए और एक एक चारों स्टूडेंट को दे दिया। अब तो ये मुझसे कंप्लेन नहीं करेंगी कि मैं साहब उनको ज्यादा करती हैं, आपने उनको ज्यादा दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना, सबको इक्वल दिए। अब कोई पूछता है अस्मा से कि अस्मा आपने कितना खाया, आपको कितना मिला पिज्जा, तो अस्मा क्या कहेंगी, क्वार्टर मिला, है ना। कोई पूछता राबिया से कि राबिया आपको कितना मिला, तो राबिया क्या कहेंगी, क्वार्टर मिला। नेहा क्वार्टर, शैला क्वार्टर, सब क्वार्टर क्वार्टर कहेंगी, क्योंकि एक पिज्जा था मेरे पास, मैंने इन चारों को दे दिया। अब
इन्हें मैथ में कैसे लिखेंगे? अब कोई इनसे कहता है अच्छा मैथ में तो लिख के बताओ तुम्हें कितना मिला, तो अब ये मैथ में कैसे लिखेंगे? देखें कैसे लिखेंगे, क्योंकि इस ए के 4 पार्ट्स किए हैं। कितने पार्ट्स किए हैं? 4, और 4 में से इस बच्ची के पास आया है 1 पार्ट। कितना आया इस बच्ची के पास? 1 पार्ट आया इस बच्ची के पास। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्वार्टर आया है इस बच्ची के पास, तो क्वार्टर कैसे लिखा जाएगा? ऐसे 1/4। इस बच्ची के पास कितना आया है? इसके पास भी 4 पार्ट्स किए थे, उसमें से 1 पार्ट इस बच्ची को दिया है, यानी इस बच्ची के पास भी क्या आया है? क्वार्टर। इस बच्ची के पास कितना आया है? नेहा के पास 4 पार्ट्स किए थे एक पिज्जा के, और इस बच्ची को भी सिर्फ 1 पार्ट मिला है, यानी इस बच्ची के पास भी क्वार्टर आया है और इस बच्ची के पास भी क्वार्टर आया है, है ना? यानी कोई भी जो एक चीज होती है उसके अंदर 2 हाफ हो सकते हैं, है ना? 2 हाफ हो गए, और जब उसको सिर्फ 4 पार्ट्स में करेंगे, ज्यादा पार्ट्स में नहीं किया हमने, सिर्फ 4 पार्ट्स में करेंगे, तो अब उस एक पार्ट को क्या कहेंगे? क्वार्टर, इंग्लिश में क्वार्टर, और मैथ में उसे कैसे लिखेंगे? 1/4, यानी 4 में से 1 पार्ट उस बच्ची को मिला है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसको 1/4 को क्या कहते हैं? क्वार्टर। 1/4 को क्या कहते हैं? क्वार्टर। 1/4 को क्या कहते हैं? क्वार्टर। अच्छा अब देखिए, सपोज मेरे पास 8 स्टिक थी, 8 मैच स्टिक थी, ठीक है? सही है? अब मुझे इन चारों में बराबर देंगे, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स करने, तो क्या होंगे? 2, 2, 2, 2, यानी 2 मैच स्टिक अस्मा को दूंगी, 2 राबिया को दूंगी, और 2 नेहा को दूंगी, और 2 शैला को दूंगी। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ, क्वार्टर मैंने शैला को दी, क्वार्टर मैंने नेहा को दी, क्वार्टर मैंने राबिया को दी, और क्वार्टर मैंने अस्मा को दी। ठीक है? यानी जो भी चीज आपके पास है आप उसके 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स कर दें। आपने देखा है कैडबरी बार जो होती है ना, कैडबरी बार जो 20 रुपीज की शायद आती है, 20 की या 30 की, उसमें देखिए 4 पार्ट्स पहले से हुए हुए होते हैं, इस तरह से होती है ना वो चॉकलेट, ऐसे, और ये उसके इक्वल 4 पार्ट्स हुए हुए होते हैं, है ना? तो देखिए अगर कोई 4 स्टूडेंट हैं, तो देखिए एक को ये मिल गया, एक स्टूडेंट को ये पार्ट मिल गया, एक को ये वाला पार्ट मिल गया, एक को ये वाला पार्ट मिल गया, और एक को ये वाला पार्ट मिल गया पूरा, है ना? तो इसका मतलब हुआ ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, और ये भी 1/4 हुआ। लेकिन अगर फर्ज करें इस बार में ये बार एक आइसक्रीम बार है, कौन सी बार है? आइसक्रीम बार, हाफ आइसक्रीम पैक आता है ना, तो चलिए ये हाफ आइसक्रीम पैक है। अब इसमें से एक बच्ची को मैं इतनी दे देती हूँ, एक को इतनी दे देती हूँ, और 2 को इतनी दे देती हूँ, ये इक्वल किए मैंने? नहीं, ये इक्वल पार्ट्स नहीं हुए, इक्वल पार्ट्स ये वाले हुए। ठीक है? तो वो जो 4th पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्वार्टर। क्या कहेंगे? क्वार्टर। अब क्लास
क्लास टू पेज नंबर 96 देखिए, और 96 में जो क्वार्टर है आपने उसके ऊपर लिखना है, जैसे मैंने इसके अंदर लिखा है ना, आपने क्वार्टर को बताना है कौन कौन से इसमें क्वार्टर है, ठीक है। पेज नंबर 96 पे अब आपने बताना है कि इन पिक्चर्स में कौन कौन से क्वार्टर्स हैं, और फिर उसके बाद पेज नंबर 97 देखिए। अब 97 में ऊपर क्वेश्चन देखिए, लुक एट दीज शेप्स, हाउ मच हैज बीन कलर्ड। अब आपने बताना है कलर्ड पार्ट जो है वो क्या हुआ है, हाफ है या क्वार्टर है। अब ये आ गया ना बहुत अच्छी तरह समझ में। अब देखिए क्लास, अगर आपको ये कहा जाए कि बताइए ये जो कलर हुई हुई है इसमें ये जो शेडेड पार्ट है ये कितना है, तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 फोर पार्ट्स थे ना, अब फोर पार्ट्स में से ये कितना पार्ट जो है वो कलर हुआ हुआ है, सिर्फ वन, ये शेडेड वन पार्ट है ना, तो यानी ये कितना हुआ, ये हुआ 1/4। अच्छा अब इसे देखिए, इस पूरे को अगर आप देखिए तो ये इक्वल टू हाफ में है ना, तो ये पार्ट क्या हुआ इसका, ये हुआ टू पार्ट हुए थे इस पूरे में से, उसमें से ये वन, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2। और जल्दी से बताइए इसको हम क्या लिखेंगे, ये देखिए 1 2 3 4 फोर इक्वल पार्ट से, इसमें से इस वाले का नाम क्या होगा 1/4। और अब ये 1/2 दे रखा है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको कलर कीजिए, 1/2 पार्ट को कलर कीजिए, तो आप किसको करेंगे, देखें बस हो गया, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 1/2, तो ये तो 1/4 हुआ, हमने देखा था ना कि 2 क्वार्टर मिलेंगे तो 1/2 बनेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ ये 2 पार्ट्स को जब आप कलर करेंगे तो वो हाफ होगा, सही है। अब इसमें देखिए, इसमें अगर 1/4 को आपसे कहा जाए कलर करें तो आप कौन सा वाला करेंगे, सिर्फ एक पार्ट करेंगे, क्यों एक पार्ट करेंगे, क्योंकि 4 पार्ट में से आपको कहा गया है सिर्फ एक कलर कीजिए, सही है, ये देखिए, ठीक है। अब आपने पेज नंबर 97 पे जो काम दिया हुआ है ये वाला काम करना है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम।